बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ चेहरे वाफिस होंगे। तो सीन कुछ ऐसा है जी, 15 दिसंबर 2022 को हम अपनी छत पे चाय का वेट कर रहे थे। मेरी वाइफ जो है वो चाय बनाने के लिए नीचे वाले किचन में गई हुई थी और मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था। मैंने उसको बांध दिया चारपाई के साथ, बेल्ट के साथ ना। तो मैं उसको मजाक से बोल रहा था कि चलो अब मुझे इधर से निकल के दिखाओ आप। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ती है अपने पीछे वाले हमसायों की छत पे आग लग चुकी होती है। मैं अपनी छत पे पहुंचता हूँ ऊपर वाली पे और उनको आवाज़ देता हूँ, जी आपकी छत पे आग लग चुकी है। मेरा इतना कहना होता है कि बहुत सारे लोग उधर जमा हो जाते हैं। वो सारे लोग जी आग बुझाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है कि ये जो भूसा है, ये जो जानवरों का चारा है, जब तक ये सारा जल नहीं जाएगा तब तक आग नहीं बुझ सकती, तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर एकदम से मैं सोचता हूँ, यार आग बुझे या ना बुझे, मुझे नीचे जाके इनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इनकी छत को जो है वो नुकसान ना हो और साथ वाले जो घर हैं उनमें भी यही जानवरों का चारा जमा हुआ हुआ है तो उसको आग ना लग जाए। चाय मैं भूल जाता हूँ उधर ही और मैं भाग के उधर जाता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उनकी मोटर पानी नहीं दे रही होती, तो मैं सबसे पहले उनकी मोटर में पानी डाल के कोशिश करता हूँ कि ये पानी दे, लेकिन फिर भी वो गुजारा कर जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी वो देना शुरू कर देती है। सब लोगों ने मिलकर जी, किसी ने बाल्टी पकड़ी हुई है, किसी ने वो छड़ियाँ पकड़ी हुई हैं ताकि उसको साइड पर कर सकें, आग बुझा सकें। तो सारे लोग कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आग पर जो है ना वो काबू पा लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो साथ वाले घर हैं वो भी बच जाते हैं आग से और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी छत को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो बात बताने का या वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि इत्तफाक में बहुत ज़्यादा बरकत है और जो काम मिलजुल के शुरू हो जाता है ना, फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसमें अपने फरिश्तों को भी शामिल कर देती है और वो काम बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो क्या आज हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा काम किया? आप होते तो क्या करते? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। और जो इसमें बैकग्राउंड में आवाज़ें आपको आएगी उनको बिल्कुल आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वो अपनी बातों में सारे लोग मसरूफ थे, तो उसको इग्नोर करके वीडियो देखनी है आपने। ओके जी, फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। की बात है, कोई जुगाड़ लगाएगा काका? निकलो, खुद ही निकलो इसमें से, इसमें से निकलो, निकलो निकलो निकलो, कोई जुगाड़ करो ना बेटा, निकलने के लिए कोई जुगाड़ करो। मिली डानी ओए, मिली डान, निकलो। लड्डू साहब इस वक्त सोच रहे हैं, जी बाबा ने किया गया मेरे साथ। अब फुल उसके माइंड में चल रहा है कि कैसे निकलना है मैंने इसमें से। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जुगाड़ करो जुगाड़। इन्होंने लगा दी है यार, यार ये क्यों रखी होती है घर में? लगाई किस पागल ने? क्यों जा रहे हो उधर? मान
तो यहाँ पर जी आपका भाई ऊपर आके दोबारा एक दफ़ा नीचे गया है और नीचे जाके उनकी मोटर पर सही किया, लेकिन फिर भी उसने इतना ज़्यादा पानी नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया था। उस पानी के साथ हम आग पे काबू तो नहीं पा सकते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना उस पानी ने हमारा आसान कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है साथ जो इधर भी उन्होंने एक टारा सा बनाया हुआ था जानवरों के लिए, और साथ वो क्या उसका नाम है, इधर भी दूसरी साइड पे भी चारा पड़ा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी हमारी, हमारी नहीं हुई तो उनकी थी। चलो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। और इन बच्चों को पता लग गया वीडियो बन रही है। आमिर रंडी जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो हमने आग पे काबू पा लिया है, और ये जो तीन बंदे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकी सबसे ज़्यादा मेहनत है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, तो वही कह रही हूँ कि तो शादी में दीवाने हो जाते हैं, तो फिर आग लग गई थी। मान को तो देखो जरा वो चढ़ा हुआ ऊपर से पानी फेंक रहा है, जो वो रेड शर्ट वाला दो वाले कजड़ा ले बजाई हो सारी अग सवा हेलो बुदनी ओई 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 ये जिनी ने तो सारी पराली ने तबाह हो गई, बोली ने तो कितने तेरे बाल रही है हां ये ना छत पे और नहीं पई। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਟ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
अग लग गई नहीं तो आग कैसे लगी पराली नहीं होती बड़ी ना हां जी ले जाओ अस्सी किन्ने तार नू के बिजली दी लग रही है सारे कम घर किधर जी है मेरा सारे ही चढ़ गए उनकी छत पे तो वही अपनी टैंकी से पानी निकाल निकाल के दे रहे हैं चलो लेकिन अभी उसमें से धुआं निकल रहा है ना डर गई Thank you.